हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भिंडी की सब्जी, जो कि मैं थोड़ा अलग तरह से आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। और जो रेगुलर आप भिंडी बनाते हैं, जिस तरह से बनाते हैं, उससे ये थोड़ा अलग है और इसका टेस्ट भी उसकी कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको ये पसंद आएगा, बच्चों को पसंद आएगा, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स को और गेस्ट को भी ये बहुत पसंद आएगा, जो कि सिंपल साधारण की सब्जी होती है, उससे कहीं ज्यादा ये स्वाद में बेहतर होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भिंडी की सब्जी ये हम घर पर कैसे बना सकते हैं थोड़ा अलग तरह से। और साथ ही साथ हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब्जी हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है और उसे मैंने धुल दिया है और उसको सुखाकर तब मैंने उसे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। याद रहे, भिंडी को धुलने के बाद उसे सुखा लेना चाहिए, उसके बाद आप उसको काटिए, वरना जब सब्जी आप बनाते हैं तो गीलेपन की वजह से उसमें रेशे बनने लगते हैं और सब्जी खिली खिली नहीं बन पाती है। अब आपको कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेना है और उसे कढ़ाई में गरम होने देना है। फिर आपने जो भिंडी काटी है उसे कढ़ाई में डालकर 4 से 5 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। याद रहे, आपको कढ़ाई को कवर नहीं करना है, वरना भिंडी से रेशे बनने लगते हैं और सब्जी खिली खिली नहीं बन पाती है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चार से पाँच मिनट तक मैंने भिंडी को पका लिया है। अब इसे एक बोल में मैं खाली कर लूँगी। जो भिंडी मैंने भुनी हुई थी उसे मैंने एक बोल में ले लिया है और अब सेम कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और डालूँगी। कढ़ाई चूंकि गर्म है तो जो एक्स्ट्रा 1 टेबल स्पून मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी उसे गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून जीरा डालूंगी। दो चुटकी हींग, और जब ये दोनों अच्छे से पक जाए तो एक बड़ा कटा हुआ प्याज मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। और अब इसे अच्छे से आपस में मिलाते हुए चला लूंगी मैं। इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज जल्दी पक जाए इसके लिए हम इसमें पहले ही 1 टेबल स्पून या फिर स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को जल्दी पकने के लिए मैंने इसे कवर कर लिया था। अब मैं इसको हटाकर, लिड को हटाकर मैं देख लूंगी। हम देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब प्याज को हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। उसके बाद कटे हुए टमाटर के पीसेस मैं डाली हूँ इसमें। 2 छोटे टमाटर हम डाल सकते हैं 250 ग्राम भिंडी के हिसाब से।
उसके बाद इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैं डालूंगी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जब आप प्याज डालते हैं उस वक्त आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप कलर के लिए रेड चिली पाउडर बाद में इस वक्त डाल दीजिए और फिर उसे अच्छे से हम चला लेंगे। मसाले को जल्दी पकने के लिए मैंने इसे फिर से कवर कर दिया है लेट से। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हम टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब इसे एक बार हम चला लेंगे अच्छे से। फ्लेम को धीमा ही रखकर इसे पकाना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून बड़े टेबल स्पून हमें दही या फिर 2 बड़े टेबल स्पून मलाई डालना है। अब उसे अच्छे से मिला लेना है मसाले के साथ। अब इसे हम कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। जो दही मैंने डाला था मसाले में वो अच्छे से मसाले के साथ पक गया है। इसे अच्छे से चला लेते हैं हम और मसाले ने अब तेल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब स्टार्टिंग में जो मैंने भिंडी भूनी हुई थी उसको मैं अब इस कढ़ाई में डाल दूंगी और मसाले के साथ अच्छे से मिला लूंगी मैं इसे। और अब इसे 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब जैसा कि हम देख सकते हैं लगभग सब्जी अच्छे से पक गई है। अब सब्जी में हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जी अब बिल्कुल पक चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब इसे मैं एक बोल में पलट लूंगी। तो फ्रेंड्स भिंडी की जो सब्जी है ये बिल्कुल रेडी है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है और इसका जो कलर है बहुत अच्छा आया है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है, इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।